रीवा जिले के देवतला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिव मंदिर में दर्शन करने आए लोग करंट की चपेट में आ गए। इस दौरान मची भगदड़ से कई लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज सावन के सोमवार पर देवतला शिव मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी थी। दर्शन करने के लिए काफी लंबी लाइन भी लगी हुई थी, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल थे। इस दौरान मंदिर में लगे टीन सेट और एंगल रॉड में अचानक करंट फैल गया, जिसके कारण लगभग 20 से अधिक लोग करंट की चपेट में आ गए और बाकी भगदड़ की वजह से घायल हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज एवं देवतलाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ नई गढ़ी में भी भर्ती करवाया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लोगों को देवतलाव में एवं सिविल अस्पताल मऊगंज में 15 लोगों को भर्ती करवाया गया है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी पहुँच गए हैं। हाँ, देवतलाव में एक हादसे की जानकारी मिली बिजली के करंट से, और उसमें कुछ उसके करंट के कारण कुछ भगदड़ भी मची। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज सोमवार का दिन था और प्रसिद्ध मंदिर देवतलाव में आज सोमवार के दिन तमाम दर्शनार्थी लोग जाते हैं, तो उस भगदड़ को लेकर के अभी SDM वहाँ पहुँच गए हैं, हमारे यहाँ के तहसीलदार वहाँ पहुँच गए हैं, कलेक्टर भी रीवा से चल दिए हैं, रास्ते में पहुँच रहे हैं। मैं भी यहाँ अस्पताल में आ गया। प्रथम दृष्टया हमें सबको अस्पताल में ट्रीटमेंट अच्छा हो सके तो नई गढ़ी का अस्पताल और देवतलाव का हॉस्पिटल और मऊगंज के अस्पताल चिन्हित किए गए हैं कि तत्काल इसमें और इमरजेंसी में आपने देखा होगा सब सुविधाएं बिस्तर और सब लगा करके इमरजेंसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अभी तक 5 लोग इस अस्पताल में आ चुके हैं मऊगंज में। हो सकता है रास्ते में और लोग हैं। 12 लोगों की सूचना वहाँ से भेजने की अभी आई है, तो एम्बुलेंस से यहाँ आ रहे हैं। हमारे BMO साहब भी लगातार एम्बुलेंस भेज करके और लोगों को मंगा रहे हैं। अभी नई गढ़ी में जो मैंने अभी बात की है, तो अभी नई गढ़ी में लोग नहीं पहुँचे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर भी हम सब लोगों को अलर्ट होकर के और अस्पतालों में पूरी व्यवस्था रखना चाहिए, और मैं भी वहाँ निकल रहा हूँ, देखता हूँ कि और क्या क्या ज़रूरत होगी तो सब व्यवस्थाएँ की जाएगी। दादाजी, ये कैसे हुआ? करंट फैल गया। हाँ, करंट फैला, फिर इसके बाद हो गया तो सबको मारने लगा, चिपचिपने लगे, सीने के बाद सब भगदड़ की बच गई, निकल गए पर और आधा घंटा तक वह कंट्रोल रूम में पड़े रहे, कोई व्यवस्था न कोई आना जाना था। दादा पब्लिक जाम की जिम्मेदारी पहुँच गई थी, वहाँ कोई TI साहब थे, वही थोड़ा बहुत इधर उधर करके व्यवस्था की है। ये आप लोग अपने से लेके आए हैं? नहीं नहीं, मैं तहसीलदार की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से कैसे कैसे करके बहुत दूर तक हाथ पकड़ के कान पे लाद करके इधर उधर करके, अभी हमारे 3-4 मरीज उधर है, पता नहीं ले गए कि नहीं ले गए, कहाँ है कैसे है। आपके साथ वाले कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से कम 50-60 आदमी।